देखो मैं, आइसक्रीम भजिया एक स्पेशल डिश होती है क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंटल डिश है। आइसक्रीम ठंडी होती है या गर्म होता है, तो हुई ना ये स्पेशल डिश, अंदर से ठंडी बाहर से गर्म। मतलब ये डिश आप ही की तरह है सासुमा, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। देखो मही, तुम्हें सीखना है तो सीखो, नहीं सीखना है तो मत सीखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मॉम, सीखना है, एकदम सीखना है, सीखेगी ना। तुम जोरू के गुलाम बनकर यहाँ क्यों खड़े हो, बाहर जाओ, हॉल में बैठो, मही भजिया बनाकर वहीं ले आएगी, जाओ। ओके, ऑल द बेस्ट। बनाओ, चलो अब लिखो। बनाए? हाँ। चलो। तो यार पता नहीं मही आइसक्रीम भजिया कैसा बनाएगी। क्या हुआ सागर भैया? ऐसे परेशानी में क्यों टहल रहे हैं? अरे सुनिया भाभी, अब आपको क्या बताऊं? क्या हुआ? आपके जाने के बाद मॉम और मही के बीच नया बखेड़ा हो गया कि कौन ज्यादा अच्छा आइसक्रीम भजिया बना सकता है। आइसक्रीम भजिया तो मॉम की स्पेशलिटी है। पता है मॉम किचन में मही को आइसक्रीम भजिया बनाना सिखा रही है और मही आइसक्रीम भजिया बना रही है। ओह, इसका मतलब ये कि मही आइसक्रीम भजिया बना रही है, वो खाकर आपको ये डिसाइड करना है कि आइसक्रीम भजिया मॉम अच्छा बनाती है या मही। वाओ। सोनिया, सिर्फ सागर को ही नहीं, मही का आइसक्रीम भजिया कैसा बना है वो तुम्हें भी खाकर बताना है। वाओ, मतलब सोनिया अब जज का रोल निभाएगी। सोनिया तो बहुत खुश हुई। आइसक्रीम भजिया हाजिर है। आइए आइए, बैठे सब लोग। अरे वाह, बैठो बैठो बैठो। ससुमा अभी आइए। एक मिनट भाभी, भजिया देने से पहले मैं आप सबको एक बात बता देना चाहती हूँ कि भजिया तारीफ करने के लायक हो ना तो ही तारीफ करना। ठाकुर जी, समझ गए ना? हाँ हाँ, एकदम समझ गया। चुपते रहते हैं। कैसी लगी माधुली? अरे कन्हैया लाल, बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। आज आपकी मही भाभी ने आइसक्रीम का भजिया बनाया है। ये वाह, गलम और ठंडे की दुगल बंदी, मत तो मजा आएगा। अब वो तो खाने के बाद ही पता चलेगा ना। हाँ हाँ सासुमा, अब भी पता चल जाएगा। आओ लो शुभारंभ। सागर जी आराम से खाओ। और चाहिए तो मांग लेना। हाँ बिल्कुल, शर्माना नहीं, बहुत बड़े किचन में। मही तुम भी तो खाओ। सासुमा पहले आप खाओ। अरे नहीं नहीं, पहले तुम खाओ। ठीक है। देखो मैं, दिल छोटा मत करो, आज अच्छा नहीं बना तो क्या हुआ,
तुम थोड़ी प्रैक्टिस करोगी ना तो तुम भी मॉम की तरह और इनफैक्ट मॉम से भी ज्यादा अच्छा आइसक्रीम भजिया बनाने लगोगी। नहीं नहीं सागर जी, मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा। मुझे तो लगता है कि मुझ में ही कोई कमी है। माँ के प्यार के आगे बीवी का प्यार हार गया, माँ की ममता के आगे बीवी की चाहत पीछे रह गई। सागर जी मही मही मही, देखो ऐसे निराश नहीं होते। देखो हो सकता है ना तुम कोई इंग्रेडिएंट डालना भूल गई हो या कोई इंग्रेडिएंट तुमने ज्यादा डाल दिया हो सकता है। नहीं नहीं सागर जी, मैंने तो बिल्कुल वैसा ही किया जैसे सासू माँ ने मुझे बताया। फिर भी एक मिनट सागर जी, एक बात हो सकती है। क्या हो सकता है कि सासू माँ ने मुझे जानबूझकर गलत रेसिपी बताई हो। उन्होंने मुझे इस कागज पर जो लिखवाया ना सामग्री, उसमें जानबूझकर कुछ कम ज्यादा लिखवाया होगा पक्का। अब मही तुम ये क्या बोल रही हो, मॉम ऐसा कभी नहीं करेगी। और मॉम आखिर ऐसा करेगी क्यों? सागर जी सासू माँ ऐसा क्यों करेगी, इस सवाल के मैं 10 जवाब दे सकती हूँ। देखो मैं, तुम बेवजह मॉम पे शक कर रही हो। एक तो तुमने खुद आइसक्रीम भजिया ठीक से नहीं बनाया और उसके लिए भी तुम मेरी मॉम को दोषी ठहरा रही हो। बैड मही, वेरी बैड, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं। सागर जी सुनिए तो।